हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में बहुत सारी जानकारियां जो है वो आपको मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। यहां पे आप देख सकते हैं कि दो तरह के मेडिसिन जो है वो आपको दिख पा रहे होंगे और इन मेडिसिन की प्रॉपर जानकारी जो है वो मैं आज आपको देने वाला हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की दमे की समस्या या फिर सांस फूलने जैसी समस्या होती है, ठंड के दिनों में ज़्यादातर दमे की समस्या बढ़ जाती है, तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। और ये बहुत ही कम प्राइस की मेडिसिन है, यानी कि 10-20 रुपये की मेडिसिन है और ये बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, जाने माने प्रोडक्ट है, हर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर में आसानी से आपको मिल भी जाएगी। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ताकि मैं और भी इस तरह की वीडियो जो है वो आपको दे सकूं। यहाँ पे मैं पहली मेडिसिन की बात करता हूँ, ये है बेटनिसोल मेडिसिन। ये ग्लैक्सो स्मिथ की बनाई हुई एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और बेटनिसोल 20 टैबलेट की 1 स्ट्रिप आती है। इसकी प्राइस की बात करें तो 14 रुपीज़ इसकी प्राइस है पर 20 टैबलेट की, यानी कि आप यहाँ पे देखें तो एक टैबलेट की प्राइस लगभग 70 पैसे या 75 पैसे है, 1 रुपये से भी कम एक टैबलेट की प्राइस है। इतनी कम प्राइस में आपको और क्या चाहिए, तो ये इसकी प्राइस है। इसके अंदर बीटा मिथासोन का इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर जो साल्ट होती है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है स्टालिन 4 और ये सिप्ला की बनाई हुई एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसके अंदर मोलिकुल की बात करें तो सल्बूटामोल सल्फेट जो है वो 4 mg इस्तेमाल की गई है और इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो इसकी प्राइस 10 रुपीज़ है और यह 45 टैबलेट 1 स्ट्रिप में आती है। 45 टैबलेट की प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है। अगर इन दोनों को मिला दें तो आपकी प्राइस जो है वो 25 रुपीज़ के आसपास होती है और इसमें 45 टैबलेट्स हैं और इसमें 20 टैबलेट्स हैं। इतनी कम प्राइस इसकी रखी जाती है और ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आपको दमे की समस्या है, सांस फूलने की समस्या है या फिर घबराहट जैसी समस्या होती है, आपको अस्थमा की समस्या रहती है, तो आप इन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडल्ट इसका इस्तेमाल सुबह और शाम एक एक टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपकी समस्या अगर कम है तो आप 1 टाइम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कम सांस फूलने की समस्या या फिर कम आपको हफनी जैसी समस्या होती है तो इसको आप 1 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही क्विक और जल्द रिलीफ आपको मिलती है। आइए जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो किन्हीं किन्हीं को इसका इस्तेमाल करने के बाद और भी ज़्यादा घबराहट जैसी समस्या होती है, तो वहाँ पर इस टैबलेट का इस्तेमाल करना बंद कर दें और डॉक्टर के सलाह के बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि इससे सस्ती मेडिसिन जो है वो आपको नहीं मिलेगी और ये बहुत ही यूजफुल, बहुत ही पुरानी और बहुत ही सटीक मेडिसिन है। अगर आपको सांस फूलने और दमे जैसी समस्या रहती है तो आप इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और अगर इन दोनों मेडिसिन के इस्तेमाल करने के बाद आपको कमजोरी जैसी समस्या लगती है या फिर वीकनेस की समस्या लगती है तो आप साथ में मल्टी विटामिन के टैबलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।